स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आ गई हूँ। आज मैं एक स्नैक्स आइटम बनाऊंगी जो बहुत ही अलग है, वो है परवल का पकोड़ा। परवल की सब्जी तो हम सबने खाए होंगे, लेकिन परवल का पकोड़ा एक यूनिक रेसिपी है। आप इसको ट्राई कर सकते हो, और अभी भी मार्केट में परवल मिल रहा है तो आप अभी इसको ट्राई कीजिए। बहुत आसान है, लेकिन खाने में बहुत ही सुंदर है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आप परवल खा रहे हैं। तो चलिए मैं ये रेसिपी कैसे बनाती हूँ देख लेते हैं। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। थैंक यू। परवल का पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है परवल। ये एक पाव परवल है जिसे अच्छे से धो के मैंने ये छिलका निकाल लिया, देखिए, और अच्छे से धोया है इसको। अभी क्या करना है, ये परवल को मैं ग्रेट कर लेती हूँ, ग्रेटेड से, देखिए ऐसे ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा है, इससे ग्रेट करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ग्रेट होगा। तो सारे परवल को मैं पहले ग्रेट कर लेती हूँ। देखिए मैंने पूरा परवल ऐसे ग्रेट कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया ये हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, इसके साथ जाएगा हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हो इसमें, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। इसके साथ जाएगा ये थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, और इसके बाद जाएगा ये, इसके साथ जाएगा बेसन। बेसन मैं पहले दूंगी ये 2 टेबलस्पून बेसन, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी, इसके बाद अगर चाहिए होगा फिर से डालेंगे। देखिए मैं और 1/2 टेबलस्पून और बेसन दे रही हूँ इसमें, तो अच्छे से मिक्स करते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने नमक नहीं डाला अभी तक। नमक डालने से ना इसमें पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब बनाना स्टार्ट करेंगे उससे थोड़ा सा पहले ही नमक डालेंगे, उससे पहले नमक नहीं डालना है इसमें। तो देखिए ये हो गया है, अभी नमक डालना बाकी है। अभी इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले नमक डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे। मैं बेसन है तो अजवाइन डालने से अच्छा लगेगा, 1/4 टीस्पून है, ज़्यादा डालने से फिर अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए ये थोड़ा सा हरा धनिया, अभी सबको फिर से मिक्स कर देंगे। कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस में, अभी ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो अभी पकौड़ा को फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैं थोड़ा लो ही रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा होने से जल जाएगा, तो एक एक करके पकौड़ा इसमें डाल देते हैं। देखिए एक साइड हो गया था तो मैंने पलट दिया इसको, अभी दूसरे साइड भी होने देंगे। गैस का फ्लेम इसलिए लो रखा है क्योंकि ये इसका कच्चा नहीं रहे और अंदर तक पक जाए अच्छे से, तो खाने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए लो रखा है गैस का फ्लेम। तो अभी इसको फ्राई होने देते हैं, तो इसको उठा लेते हैं। देखिए फ्राई हो चुका है, अभी भी परवल मिल रहा है मार्केट में, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसको आप इवनिंग स्नैक्स में भी दाल चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हो, सबके साथ ही अच्छा लगेगा, जिसके साथ भी खाओ तो ये अच्छा लगेगा आपको। तो बाकी इसको भी डाल देते हैं इसमें। देखिए सारा पकोड़ा मैंने फ्राई कर लिया है, और इसको सर्व किया टोमेटो केचप के साथ। आप ग्रीन चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। परवल अभी तक मार्केट में मिल रहा है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा।